आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत, 10 घायल, एसडीएम ने घायलों का जाना हाल। बराम लहरा पुलिस अनुभाग के भगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेठी तिगड्डा पर पेड़ के नीचे खड़े 12 लोगों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला मजदूरों मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 8 महिलाएं व 2 पुरुष मजदूर शामिल है। जानकारी लगते ही एसडीएम प्रशांत अग्रवाल ने सीएचसी बराम लहरा पहुंचकर घायलों का हाल जाना और इलाज के लिए डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक वीरो निवासी मायापति रामेश्वर आदिवासी 40 साल, मानकुंवर पति नंदलाल आदिवासी 28 साल निवासी मलगोवा, मल्लो पिता मुन्नी 22 साल निवासी शाहगढ़, पार्वती पति चंद्रराम आदिवासी 30 साल वीरो निवासी, कासीराम पिता दासू आदिवासी 35 साल, पार्वती पति कलुआ आदिवासी 50 साल, कविता पिता तुलसी आदिवासी 18 साल, नर्मदा पिता मुन्नी आदिवासी 21 साल, काशीबाई पति तुलसी आदिवासी 40 साल, मानिक पिता गोरेलाल आदिवासी 50 साल, भगुंती पति मानिक लाल आदिवासी 45 साल, हीरा पिता जलमा आदिवासी 50 साल सिमारो निवासी, भगवत लोधी का बरेठी तिगड्डा स्थित खेत में लगी मूंगफली की फसल की निदाई करने गए थे, तभी दोपहर 3:30 बजे एकाएक बारिश होने लगी, जिससे सभी लोग वही लगे श्यामा के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे काशीबाई आदिवासी 40 वर्षीय व उसकी बेटी कविता आदिवासी 18 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से सीएचसी बराम लहरा भेजा गया, जहाँ सभी का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया आपके साथ? हम लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, ऊपर से हमें तो जब पता लगे हम लोग नीचे गिर गए, 10-11। तो आकाशीय बिजली गिरी तुम लोगों के? हाँ जी। किसके नीचे खड़े थे तुम? श्यामा के पेड़ के नीचे खड़े थे। क्या करने गए थे वहाँ पर? मलहरा राजस्थान भाग के बरेठी तिगड्डा पर आकाशीय बिजली गिरने का मामला आया है, कितने लोग घायल हुए हैं और कितने हताहत हुए? अभी मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ पर कुल 12 लोग थे, जिनमें से 2 महिलाओं की मृत्यु मौके पर ही हो गई और शेष 10 घायलों को उपचार के लिए यहाँ बड़ा मलहरा केंद्र लाया गया। बड़ा मलहरा से छतरपुर कितने लोगों को रेफर किया गया? 7 लोगों को अभी रेफर कर दिया गया। सर, जो आकाशीय बिजली से हताहत हुए हैं उनको मुआवजा देने का प्रावधान कितने दिन करेंगे? RBC 64 अंतर्गत जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें RBC 64 अंतर्गत 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए RBC 64 के प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही घायल लोगों को भी आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रावधान है, उसके अनुसार उनके भी प्रश्न तैयार करके राहत राशि दी जाएगी।